तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल फार्मर लाइफ में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फीड के बारे में। अभी फार्म पे कौन सा फीड चल रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलो चलते हैं सीधा वीडियो की ओर। हाँ जी दोस्तों, तो अभी एक बहुत ही बड़ी समस्या आ गई है कि हम फीड कौन सा खिलाएं, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ चुकी है। तो इसलिए ये समस्या आ गई है कि फीड कौन सा खिलाए जिससे हमको प्रॉफिट मिल पाए। वरना कोई भी स्टैंडर्ड कंपनी का अगर हम फीड खिला रहे हैं तो उसका रेट बहुत ज़्यादा है और हमको पोसाता नहीं है। मींस के इक्वल सारा प्रॉफिट और ये सब इक्वल हो जा रहा है। तो मैंने ये किया है कि अभी कारगिल का मिल्क जन 8000 है और कारगिल का ही प्रगति आता है जो 10 लीटर तक की काव होती है, उसमें प्रगति हम खिला सकते हैं। और बाकी अगर 10 से ऊपर जा रही है काव तो हमको मिल्क जन 8000 खिलाना है। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये दोनों का मिक्स करके फीड खिला रहा हूँ। तो ये कॉस्टिंग इसका पड़ रहा है 24.25 पैसे। तो मतलब इसका मतलब हो गया, और हमारा मिल्क जा रहा है 30 रुपये के अराउंड। तो ये सब सही बैठ रहा है, ये कॉस्टिंग में सही बैठ रहा है। और साथ ही साथ में जो मक्के की पापड़ी होती है वो भी खिला रहा हूँ 500-500 ग्राम पर काव एक टाइम का। तो उससे क्या है, मिल्क ज़्यादा निकलता है और सही रहता है। बाकी कोई दिक्कत भी नहीं आ रही अभी, तो देखते हैं आगे क्या होता है। और इसमें जो प्रगति है कारगिल का, उसमें भी अच्छा है। जो न्यूट्रिशन फैक्ट्स है वो अच्छे ही है, आप पॉज करके देख लेना वीडियो में। और कारगिल 8000 का तो आपको पता ही है, बहुत ही बढ़िया फीड आता है वो। उसका भी मैं आपको फैक्ट न्यूट्रिशन बता देता हूँ क्या क्या है इसमें। आप देख पा रहे होंगे प्रोटीन 22% है, फैट है 4%, फाइबर भी है और कैल्शियम और सब है, तो आप देख सकते हैं। और मिनरल पाउडर की बात करें तो मैं डेयरी का ही मिनरल पाउडर खिला रहा हूँ, वो बहुत ही सही आता है। और बाईपास फैट एक चल रहा है साथ में, और ड्राई पीरियड में ट्रांजिशन मिक्स दे रहे हैं कारगिल का।